अच्छा, शुक्रिया के अलावा क्या कहना चाहते हैं? और जो वो बच्चे जो आपकी अकल में मिलाद बनाना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हैं? आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे उन बच्चों को? अच्छा, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी आपको देख मशहूर होगा और बहुत बड़ी तादाद में मुल्क और गैर मुल्क सियाह इस खूबसूरत इलाके का रुख किया करेंगे। उस्मान में हम लाहौर से आए हैं और यहाँ हाईवे सोसाइटी में आए हुए हमें 3-4 दिन हो गए। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। पहले तो समय था लेकिन आज बहुत ठंड थी और आज हम यहाँ पे आए हैं कटनी में और यहाँ पे हमने स्प्रिंग फेस्टिवल यहाँ का बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे म्यूजिकल शो हुआ है, यहाँ पे कुछ ड्रामास वगैरह हुए हैं, हमने बहुत इंजॉय किए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत वेलकमिंग है और हमने यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार अली है। आजकल मैं असिस्टेंट कमिश्नर यूटी खपलू में हूँ। तो मेरी इस हवाले से हमने यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, हमने स्प्रिंग ब्लॉसम फेस्टिवल को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे पास जो है मुख्तलिफ टूरिस्ट भी आ रहे हैं और मुकामी लोग और शिराज और हमारे डी सी साहब और मिस्टर साहिबान भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप सबसे गुजारिश करके आएँ, रास्ते को एक्सप्लोर करें, यहाँ की खूबसूरती को आप लोग एक्सप्लोर करें और साथ साथ मेरे टूरिस्ट हजरात से गुजारिश है कि हमारे इन्वायरमेंट को भी जो कंजर्व करें, क्योंकि ये जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है वो तभी कंजर्व हो सकती है जब यहाँ पर हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ आएँ, नेचुरल ब्यूटी को इन्जॉय करें और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से भी लोग आए हुए हैं तो वो जो उनका सोल पर्पज़ जो है यहाँ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को जो है इंजॉय करना और उसको जो है अप्रिशिएट करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये उन्होंने वो जो स्टार्ट किया, ये सिलसिला स्टार्ट किया ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, उसको मैं काफ़ी सराहता हूँ और जितने हमारे टूरिस्ट जो है उनको वेलकम भी करता हूँ कि आ जाए और हमारे गांछे का खासतौर पर ब्यूटी एक्सप्लोर करें और जितना हो सके इंजॉय करके यहाँ से चले जाए। थैंक यू। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिलकार साहब आपका, जिले इंतजामिया और तमाम डिपार्टमेंट के तान से पहली बार जिला गांछे में स्प्रिंग ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये इसका मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत सीज़न होता है जिसमें फूल खिले जाते हैं खुबानी का, और इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने इलाके में टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए और लोगों में रोज़गार बढ़ाने के लिए ये इवेंट मुनक़द किया जाता है। इस इवेंट को मुनक़द करने में तमाम लाइन डिपार्टमेंट और ज़िला इंतजामिया और इलाके के आमदीन इसमें शामिल हैं। इस इलाके को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए लोकल रियाती रक्स वगैरह भी इसमें मुनक़द किया जाता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम डिपार्टमेंट्स का, तमाम लाइन डिपार्टमेंट का और जिला गांछे के आवाम का कि इस इवेंट को कामयाबी से इनका किया गया। थैंक यू वेरी मच। इस फेस्टिवल का मेन जो थीम है वो ये है कि जिस वक्त अफ्रीकात ब्लॉसम होती है, फूल खिलते हैं तो पूरी वादी सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है, हर सू खुशबू बिखर जाता। इस खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया अपने HOD से मिल के फेस्टिवल मुनक़द किया। आप देख रहे हैं बड़ा कामयाब इवेंट मुनक़द हुआ। इस इवेंट के थ्रू हम चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान से वर्ल्ड से हमारे यहाँ की जो हिडन ब्यूटी है वो उनको उन तक पहुँचाए और इस खूबसूरती को आयाम करें दुनिया के सामने। आपका शुक्रिया। मैं यहाँ फर्स्ट डे मेरा है यहाँ पे गांछा डिस्ट्रिक्ट में, मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिवल भी हमने अटेंड किया। फैमिली के साथ हम आए हैं, स्प्रिंग के कलर्स हमने इंजॉय किए। यहाँ पे सब चेरी ब्लॉसम का, एप्रिकॉट ब्लॉसम का इस वक्त सीजन है, वैसे बड़ा ज़बरदस्त है। सनी भी है, थोड़ी ठंड भी है, फैमिली के लिए परफेक्ट वेदर है, परफेक्ट टाइम है।
कि वो इस वेदर में इस सीजन में आए स्प्रिंग स्पेशल इंजॉय किया। फेस्टिवल बहुत अच्छा था, हमने फेस्टिवल अटेंड किया, वहाँ पे उन्होंने अरेंज किया था फॉर टूरिस्ट, हमने इंजॉय किया। हम रिकमेंड करते हैं कि फैमिली स्पेशली इस एरिया पर ज़रूर आए। इस एरिया के लोगों को हमने लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। जिसमें पूरा पाकिस्तान पूरा जीव भी बड़े खूबसूरत जैसे में इनके खूबसूरत अंदाज आज हमने खुद देखा के कि ये बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं। दुआ कर इस बच्चे के लिए, ये सलामत है, ये सेहत सलामत है, इंशाल्लाह ताला ये और हमारी सफीर के तौर पर काम करेगा, पूरी दुनिया को इधर इकट्ठा करेगा, पूरी दुनिया को मिलते रहेगा। मेरे अपनी तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट यह है कि गांछे दिल खुशोश गांछे, उसके बाद में जीवी जीवी में गांछे जो है, गांछे के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। उसका मैं खुद एक्सपीरियंस रखता हूँ, मेरा खुद तजुर्बा यह है कि मैं दुनिया के कई मुल्कों को विजिट कर चुका हूँ, यहाँ पर यह चीज नहीं है जो अल्लाह ताला ने इस गांछे को गांछे में खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत जगह है जो कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर सिर्फ और सिर्फ दरिया होता है, कहीं पर खाली डेजर्ट होते हैं, रेत होते हैं। यहाँ पर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, चार खूबसूरत सीजन है, चार बड़े बड़े पहाड़ हमारे पास है, गुनेश्वर है, ग्रीन पहाड़ है, ड्राई पहाड़ है, दरिया है। नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखे, ऊंच नीच हो जाता है लेकिन बर्दाश्त का दामन न छोड़े और थोड़ा सा शायद होगा। हमने मेहमानों का ख्याल रखना है, हमारे रिकॉर्ड यह जाना चाहिए गांछे वाले वो बहुत अच्छे हैं, हम और आज भी है, अगला मैसेज भी ये होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।